गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जस्ट जिम से निकले, 11:30 बज गया। लेग डे था आज, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। लेग डे के बाद भी तुम्हारा भाई स्टेप्स चल के जा रहा है। फिटनेस आज मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कुछ भी करके हम लोग इस पर GoPro लगा देंगे कैसे भी। और आज देखो वर्कआउट कितना किया, 1 घंटा 30 मिनट किया। कितना कैलोरीज बर्न हो रहा है? सिर्फ 673 कैलोरीज बर्न हो रही है। इतना तो एक वड़ा पाव खाऊंगा अभी चला जाएगा। आज बहुत नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, नारियल पानी पियेंगे। रैक लगा दो मलाई वाला। जिम होने के बाद ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने में सबसे ज़्यादा मज़ा है, बहुत मीठा है, मस्त है। ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग मलाई। अगर ये भैया मेरे चैनल सब्सक्राइब करते तो इंडिया से रोज़ खाऊंगा। थोड़े वेजिटेबल्स लेते हुए घर जाते क्योंकि घर पे कुछ है नहीं। मैं ये ले रहा था, भैया से पूछा कितने का, भैया बोले 110 रुपये। मैं डर गया, फिर भैया बोलते 110 रुपये किलो का, तब जाके एक लिया मैंने। ये बीटरूट तो पोकेमॉन जैसा लग रहा है। चलो भाई अभी जल्दी घर चलते हैं, टॉफी कप से वेट कर रही है, ब्रेकफास्ट खिलाना है उसको। टॉफी आई एम बैक। चलो वेजिटेबल्स लेके आओ। कम ऑन विक्टर और अल्बर्टो जो है दूसरे के घर पे गया रात को सोने, क्योंकि यहाँ पे एक बेड है और एक बेड में वो दोनों सो नहीं पाते, इसलिए लोग अपने दोस्त के घर गए। तो छोड़ इसको, हड्डी दिया है ना तेरे को, ले हड्डी खा। हड्डी नहीं खाना इसको, मेरा ट्राइपॉड खाना है। तो ऐसे एक ही ट्राइपॉड है मेरे पास। ब्रेकफास्ट में मैं खाऊंगा मूसली, उसके बाद शाम को मैं खाऊंगा ब्रोकली, उसके बाद मैं बन जाऊंगा ब्रूसली। टॉफी के लिए ओट्स रखा है, टॉफी ओट्स खाएगी। क्या हुआ भाई? हंगरी हंगरी, भूख लगा है? भूख रहता नहीं है, हंगरी मतलब भूख लगा, मतलब हंगरी होता है। भूख रहता है, भूख लगा है। क्या चाहिए खाने में? नूडल्स। नूडल्स चाहिए, बना दूंगा। तो फिलहाल ओट्स खा, इसको ओट्स खाना पसंद नहीं। देखो अभी खाएगी नहीं, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे रखूंगा ना, खुद खा लेगी। इसका 2 दिन से पेट खराब है, इसके लिए उसको अभी ओट्स ही मिलेगा सुबह। गया मैगी बनाए थे, इसको एक ही चीज बनाने आते हैं, मैगी। क्या दूध। गाइस अभी हम निकले मूवी देखने के लिए बाहर, मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी का नाम मेरे को नहीं पता, लिटो ने जो है बुक किया है। हम लोग का 6 बजे का शो है, लेकिन 5:30 यहाँ पे हो रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बैंगलोर में, तो जल्दी पहुँचना होगा। गाइस अभी जो है लिटो पेट्रोल भरा रहा है, हमारे पास तो है पेट्रोल जाके आने का। गाइस मुझे बहुत बड़ा डाउट हो रहा है कि हम लोग इतने से पेट्रोल में, देखो क्या इतने से पेट्रोल में हम लोग 7 किलोमीटर जा पाएंगे कि नहीं। आई थिंक जाएगा। मेरे को भी लगता है जाएगा, आते टाइम पेट्रोल भराना पड़ेगा। लेट्स सी, वरना रोड पे पड़े रहेंगे। और लिटो और नाहिद आया है मूवी देखने के लिए, वो लोग गूगल मैप लगा रहे क्योंकि वो लोग को रास्ता नहीं मालूम, और हम लोग को भी रास्ता नहीं मालूम भाई। अगर ना जगह किधर है मालूम है, ना थिएटर किधर है मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम। बस टिकट अवेलेबल था, बुक कर दिया सीधा। मूवी का नाम क्या है? हृदय। मेरे को नहीं मालूम, जाके देखते गाइस। ये वो भुतिया घर जिसके बारे में मैंने बोला था। गाइस अभी लोकेशन तो यही दिखा रहा है, बट यहाँ पे PVR किधर है पता नहीं चल रहा हम लोग को। अरे यार पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा। गाइस पार्किंग जो अच्छे से मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को जो है हेलमेट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हेलमेट स्कूटी में नहीं घुसता। ये मूवी के लिए टॉप फ्लोर पे जाना है, हमारे पास जो है 20 मिनट का टाइम है, सो थोड़ा मॉल घूम के ऊपर जाएंगे अभी। ये जो मार्किंग दिया है ना, उस पर खड़े हो जाओ। मैं देखो उस पर खड़ा। नहीं मैं किसी का नहीं सुनता। तू भी नहीं सुनेगा किसी का मार्किंग। ग्राउंड फ्लोर पे अभी तक, थर्ड फ्लोर दबाया नहीं, नीचे खड़े। यहाँ पे एंट्री लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा। मैं कोई है ही नहीं रे, पूरा मॉल खाली है, खाली अपने 4 लोग है सिर्फ। दिस इज आवर मॉल, वी बाइड इट। भाई साहब एक बंदा नहीं है, क्या हो रहा है ये? ऐसा लग रहा है जो पूरा मॉल था हमारे लिए बुक किया आज के दिन। ये देखो गाइस नीचे से लेके ऊपर तक सारे दुकान चालू है, मुश्किल से गिन के 10 या 12 लोग आए। टिकट नहीं मिल रहे। मिल गया। अरे इसमें क्यूआर नहीं है यार, धोखा दे दिया क्या तूने? टिकट यहाँ तक लेके आए हम लोगों 7-8 किलोमीटर, और बोल रहे हैं कि टिकट नहीं है। तो इसे देखो यहाँ पे बैठ के अभी फोटो लूँगा मैं, एक नंबर फोटो आएगा। ए मेरा फोटो लेना। ओके गाइस बहुत अच्छा घटिया फोटो आया यहाँ पे मेरा,
मैंने लिट्टो का फोटो जो बहुत अच्छा निकाला, लेकिन उसने मेरा फोटो बहुत बेकार निकाला। पूरा थिएटर हमारे जहाँ बैठना बैठ सकते क्योंकि सिर्फ 6 लोग हैं मूवी के लिए। ये बाथरूम देखे तो ऐसा लग रहा है कि ये टॉयलेट करने के लिए नहीं, फोटो लेने के लिए बनाया है। क्या बाथरूम है भाई, ये हमारा 5-star सीटिंग। अरे ले, फुल मजे में, फुल मजे में PVR का फुल मजे लेते हुए। अरे नॉट टू बी ऑक्यूपाइड, एक जगह छोड़ के एक जगह पे बैठना है। चलो हम इसमें बैठेंगे गाइस, फुल मजा। अरे भाई पूरा थिएटर में अंधेरा ही अंधेरा है गाइस। अभी जो है 9 बज गए और मूवी जो है ख़त्म हो गया। अभी बहुत ज़ोर से भूख लगा, अभी घर पे जा। अभी जो है मेरे को बहुत गुस्सा आने वाला है क्योंकि पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ना, इतनी देर मॉल में जो पार्किंग किया पैसा तो देना ही पड़ेगा। The next morning. Good morning guys, this is the next day, just back from the gym. आज ब्रेकफास्ट में हम लोग खाएंगे मिक्स्ड स्प्राउट्स और अपना कल मैं लेके आया था खाना है भूल गया था, ब्रूसली खाएंगे, ब्रूसली। जिम जाते टाइम ही टॉफी का ब्रेकफास्ट हो गया था, इसके लिए अभी नो खाना। जिम के स्टार्टिंग के 3-4 दिन में जाता था, बॉडी बहुत पेन होता था वापस आके, लेकिन अभी जो है ठीक हो गया। मतलब अब जिम की आदत हो गई बॉडी को, 6-7 दिनों में अब बॉडी पेन नहीं होता। गाइस ब्रोकली को जो है हमेशा स्टीम करके खाना चाहिए, वरना बॉइल करके खाने से उसमें जो भी विटामिन मिनरल्स और जिंक होता है ना वो सब पानी में चला जाएगा, इसलिए अपने बॉइल करके नहीं खाएंगे, स्टीम करके खाएंगे। गाइस 4 बज गए, आज का दिन मैंने कुछ नहीं शूट किया, बस सुबह थोड़ा सा शूट किया था और मैं टॉफी को लेकर छत पे आया हूँ। चल भाग ले, भाग ले, जितना भागना भाग ले। आज जो थोड़ा कार निकालना पड़ेगा क्योंकि कार के ऊपर जो बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गया है और उसमें पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी डालना है, वॉश भी कराना है। कल परसों पापा के लेके चले जाएंगे, फिर मेरा और टॉफी का कहीं भी जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना कार के, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे। आजकल इसके पीछे घूमना पड़ता है जहाँ पे भी वॉक करते, क्योंकि 2 दिन पहले मैं इसको ऐसे छोड़ दिया था, ये इधर उधर घूम रही थी सूंघ सूंघ के, फिर अचानक से एक साबुन का टुकड़ा खा लिया। बोलो, जब भी मैं इसके साथ टेरेस पे आता हूँ गेट बंद कर देता हूँ मैं, वरना पता भाग जाती है और मैं ऊपर खड़ा रह जाता हूँ। तो गाइस अभी सिर्फ मैं और एल्बर्टो निकले, टिट्टो को जो बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था इसलिए वो आ नहीं रहे। गाड़ी की हालत देख के रोना रहे, देखो पूरा मिट्टी हो गया भाई साहब, इतना मिट्टी। चलो हवा नहीं निकला कम से कम। अभी वॉश कराए कि कल वॉश कराए? वॉश करा लेते ना, पता नहीं कैसे फॉग लाइट के अंदर पानी चला गया। अंदर से साफ सुथरा है ठीक है, सिर्फ बाहर से मिट्टी है। चलो ये तो धुल गया कम से कम, क्लीन आ जा। अंदर बहुत पसीना आ रहा लेकिन पेट्रोल नहीं है, इसके लिए विंडो खोल दिया। इधर बैठूंगा तो हाथ में मोबाइल लेके बैठना पड़ेगा, उधर होता तो मैं साइड में लगा देता सिर्फ। बहुत दिन हो गया चालू करके तो एल्बर्टो थोड़ा गर्म कर रहा है गाड़ी। यार टॉफी को भी ले लेना चाहिए था, टॉफी आराम से जो है पीछे बैठती, पीछे का सीट पूरा खाली है। वाह भाई मैं भी देख रहा हूँ, बैंगलोर में लड़कियाँ भी ऑटो चलाती है, एक नंबर। वैसे ये रहा यहाँ पे मेरा अंदर कॉलेज है और ये अपुन का इलाका है। मैं इस कार जो है आज भी नहीं धुल पाएगा क्योंकि वहाँ पे वॉशिंग सेंटर पे पहले से 10 गाड़ी जो है लाइन में खड़ी है, आज सिर्फ पेट्रोल भरा के कुछ खा के घर चले जाते। अभी बहुत जोर से भूख लगेगी, यहाँ पे कहीं एक डोसा वाला था उसको ढूंढ रहा हूँ, दिख नहीं रहा, पता नहीं किधर चला। डोसा वाले भैया ने धोखा दे दिया, आज वो आए नहीं, भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही थी इसके लिए यहाँ पे आ गए। फ्रेंच फ्राइज खाएंगे अभी, मस्त जगह पे आए। मैं यहाँ से पिज्ज़ा ऑर्डर किया, उसके बाद देखा कि यहाँ पे बर्गर भी था। पहले बोलता था तो मैं बर्गर ऑर्डर कर लेता, इसको भी बर्गर खाना था, लेकिन हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, कोई बात नहीं। पर जगह एक नंबर है यार, एम्बियंस देखो। आ गया गाइस हमारा चीज़ पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज। पिज़्ज़ा और फ्राइज खा के पेट भरा नहीं तो इसने वापस बोल दिया एक चिकन बर्गर और एक वेज बर्गर। वेज मैं खाऊंगा, ये खाएगा चिकन। तेरे को यहाँ पे काम मिल गया है क्या? चिकन बर्गर मेरा वेज, इसका चिकन। लिंग देखो पैटी रखा है, मैं तो अंदर सॉस डाल के खाऊंगा। पिज़्ज़ा और बर्गर खा के पेट तो भर गया लेकिन डोसा मिलता तो ज़्यादा। अभी जल्दी से घर जाना है, उसके बाद ये ब्लॉग जो उसको एडिट करना है, उसके बाद टॉफी के लिए खाना लेने जाना है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया। आजकल बहुत ज़्यादा खाने लगे, उसका खाना कम करना पड़ेगा। कल दो दूंगा पक्का, ओके आज के लिए सॉरी। अरे यार मिट्टी से बोल गया,